105 साल पुराने बुजुर्गों के घरेलू नुस्खे अपना कीमती समय निकालकर जरूर सुने। नंबर 1, अगर काम करते हुए अचानक से चक्कर आने लगें तुरंत सेंधा नमक चाट लें, आपको राहत मिल जाएगी। नंबर 2, हमें कभी चाय खाली नहीं पीनी चाहिए, चाय के साथ कुछ ना कुछ जरूर खाएं। नंबर 3, ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, इससे हमारे आँखों की रोशनी और मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं। टिप्स नंबर 4 देख। नंबर 4, कच्चे आलू का रस निकालकर 15 मिनट आँखों के काले घेरे पर लगाने से आँखों का कालापन धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो आपको अगर ये प्रॉब्लम है काले घेरे की, जो डार्क सर्कल होते हैं, उन पर आप इसे फॉलो कर सकते हैं। नंबर 5, रात को सोते समय सौंठ का चूर्ण सेवन करने से शरीर के सारे दर्द कम हो जाते हैं। नंबर 6, छाछ में चीनी और काली मिर्च मिलाकर पीने से पित्त से होने वाला पेट दर्द बंद हो जाता है। टिप्स नंबर 7, वीडियो को एक लाइक जरूर से करें फ्रेंड्स। नंबर 7, रात को दूध पीते समय 2 चुटकी हल्दी डालकर पीने से सुबह पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। नंबर 8, अगर आपको कमजोरी की समस्या है तो भुने हुए चने में अदरक मिलाकर खाने से राहत मिलती है। टिप्स नंबर 9, अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत है, तेज़ दर्द हो रहा है सर में, 1 सेब को 4 टुकड़ों में कट करके नमक लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दें, इसके बाद खा लें, दर्द बंद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 10, जो लोग सुबह उठने के तुरंत बाद नींबू पानी पीते हैं उनके चेहरे में चमक प्रदान होती है, क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है। नंबर 11, जो लोग हमेशा पीठ सीधी करके बैठते हैं उनको कमर दर्द की प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती है। नंबर 12, रात को सोते समय त्रिफला चूर्ण लेने से कब्ज की समस्या नहीं होती है। नंबर 13 देख लेते हैं, गले में खराश या खांसी होने पर अदरक के रस में 1/2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से राहत मिलती है। नंबर 14, अजवाइन को गर्म तवे पर भूनकर सेंधा नमक मिलाकर खाने से पेट की जलन बंद हो जाती है। नंबर 15, गाजर का सेवन जरूर करना चाहिए, खासकर महिलाओं को, खून की कमी और आयरन की कमी को पूरा करती है गाजर। नंबर 16, अगर आपका गला बैठ गया है, आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही है, 1 अमरूद को आग पर भूनकर खाने से बैठा हुआ गला सही हो जाता है। नंबर 17, गर्भ में बल्ब के पास मोर पंख लगा देने से छिपकली घर में नहीं आती हैं। नंबर 18, ठंडा पानी पीने से आदमी जल्दी बीमार हो जाता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 20, आंसुओं को रोकने से ब्लड प्रेशर, गुस्सा, सर दर्द की प्रॉब्लम होती है। नंबर 21, चेहरे पर फुंसी हो जाए तो बर्फ का टुकड़ा रगड़ने से आराम मिल जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 22, बालों में सरसों का तेल लगाने से बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, सरसों का तेल बहुत ही अच्छा रहता है हमारे बालों के लिए। 23 टिप्स, दोपहर और रात के खाने के बाद 2 लहसुन की कली खा लेने से वजन नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 24, जो महिलाएं पुरुष बिना तकिए के सोते हैं उनका दिल दिमाग ताकतवर रहता है। नंबर 25, कच्चे केले की सब्जी 1 हफ्ते बनाकर खा लेने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। नंबर 26, साबुन या फेस वॉश की बजाय बेसन शहद लगाकर नहाने से चेहरे में अलग ही चमक और ग्लो आता है। नंबर 29, अगर आप ज़्यादा दुबले पतले हैं, रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध में 1-2 चम्मच देसी घी मिलाकर पीने से कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क महसूस होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 30, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से कब्ज खत्म होती है और चेहरे की सुंदरता बढ़ती है और पाचन शक्ति बिल्कुल ठीक रहती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा ही आप रात के समय तांबे का पानी रख दें, तांबे के बर्तन में सुबह पी लें उसे। 31, मसूर की दाल पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं, चेहरा ग्लो करता है। नंबर 32, दूध के साथ छुहारे खाने से कमर दर्द में बहुत जल्दी राहत मिलती है। नंबर 33, कपड़े पर लिपस्टिक का निशान लग जाए उससे पर सफ़ेद कोलगेट लगाकर रगड़ने से दाग दूर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल ही देखें तभी समझ में आता है क्या क्या नुस्खे। टिप्स नंबर 34,
भारी सामान उठाते वक्त अचानक से नाभि अपनी जगह से हिल जाना काफ़ी तकलीफ देह होता है। अगर आपके साथ अचानक से यह स्थिति बन जाए तो सौंफ का घरेलू नुस्खा बहुत असरदार साबित होता है। इसके लिए 10 ग्राम सौंफ को पीसकर उसमें 50 ग्राम गुड़ मिला लें। इसे 2-3 दिन तक खाली पेट सेवन करने से नाभि अपनी जगह पर वापस आ जाती है। तो ये आप फॉलो कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है नाभि से लेकर। देख लेते हैं नंबर 35। हल्दी का उपयोग करने से घुटनों के दर्द में काफ़ी फायदा होता है। हल्दी में करक्यूमिनिक नाम का एक तत्व होता है जिससे सूजन और दर्द को कम करने का गुण होता है। एक गिलास दूध में एक चम्मच हल्दी मिलाकर गर्म कर लें। इसमें थोड़ा शहद मिला लें। सुबह और शाम को 2 बार हल्दी मिला दूध पीने से घुटनों के दर्द में काफ़ी फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपको एक भी इसमें से टिप्स या ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।